अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से नींबू को आप रख सकते हैं ज्यादा दिन के लिए। तो सबसे पहले आप देखें, इस तरीके के नींबू ले लें, एक भी इस पर निशान कहीं भी नहीं होना चाहिए और ये गीले भी नहीं होने चाहिए। धो के अच्छे से इनको पोंछ लें। पोंछने के बाद इस तरीके का जीपर ले लीजिए। इस तरीके का जीपर नहीं हो तो आप खाली पॉलीथीन, खाली थैली जो होती है जिसमें सामान आता है, वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर डाल दीजिए और इसको आप बड़े आराम से अच्छे से बंद कर दें। थोड़ी सी एयर इसमें रहनी चाहिए और ये हमने देखें, ये बंद कर दिया। इस तरीके से आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, थोड़ी सी हवा इसमें मौजूद है, एक आध दिन में लें और यूं हिला दें। और हाँ, आपको क्या करना है, इन नींबू के ऊपर हल्का सा ऑयल का हाथ लगाना ना भूलें, ऑयल का हाथ ज़रूर लगा लें। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और क्या तरीका है कि आप नींबू को एक में से दो पीसीस कर लें और उसका रस निकाल लें। रस निकालने के बाद आप इस तरीके से ट्रे में जमा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से इसके ये लेमन क्यूब बना लीजिए। बनाने के बाद इस तरीके की एक जिपर ले लीजिए और ये जो आप इसमें जमाएंगे, बड़े ध्यान से जमाना है। आधे नींबू का ये अलग जमाया है हमने, पूरे पूरे नींबू का अलग अलग है। जितनी ज़रूरत हो छोटे बड़े लेमन क्यूब इस तरीके से बना के आप इसको रख सकते हैं। हमने निकाल लिए हैं। निकालने के बाद इसको अच्छे से यूँ बंद कर दें आप। बंद करने के बाद इसको आप बड़े आराम से रख सकते हैं, 6 महीने 7 महीने 8 महीने इस तरीके की थैलियाँ बना के सस्ते नींबू लेके इस तरीके से रख सकते हैं। जब भी आपको कुछ भी बनाना हो, रू अफजा का शरबत बनाना हो, थोड़ी सी रू अफजा डाले इसके अंदर। एक हम आपको नींबू पानी का बता देते हैं, साथ में थोड़ी सी हमने रू अफजा डाली है। इसमें आधा नींबू है हमारा, तो एक गिलास में हमें एक नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसके अंदर 2 लेमन क्यूब ले लेते हैं, ये डाल देते हैं रू अफजा के अंदर। 2 ही हम नींबू पानी के अंदर डाल देते हैं। ये देखें, तो ये 2 पीस हमने इसमें डाल दिए हैं और बस इसके अंदर अब हमें सिर्फ पानी डालना है। ये हम पानी डाल देते हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, तो सिर्फ इसी तरीके से पीजिए। और आपको ये देखें, रू अफजा वाला भी तैयार हो गया है। एक चुटकी चाहें तो नींबू पानी वाले में काला नमक डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और डाइटिंग पर हैं तो इसी तरीके से पीजिए। और वैसे पी रहे हैं या जायके के लिए पीना है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं या फिर हमारा लेमन स्क्वेश डाला हुआ है वो थोड़ा सा पानी वाला जो है इसके अंदर थोड़ा सा ये पुदीना है हमारे पास, इस तरीके से हाथ से तोड़ लें तो इसका आपको जायका भरपूर मिलेगा। और नींबू बहुत फायदेमंद, ये पुदीना बहुत फायदेमंद होता है, ये इसके अंदर डाल दें। और नींबू रखने का तरीका भी और रू अफजा वाला भी और नींबू पानी इस तरीके से हमारे तरीके से बनाइए। शिकंजी भी बनानी हो तो आराम से आप अपना हमारा लेमन स्क्वैश डालिए और आपकी ये शिकंजी भी तैयार हो जाएगी। इससे तो ज़रूर बनाएं, हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।